गतिर मया यह स्वयं कर्म बंद दुःखं भवो गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयिजिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवहत्वान्त विध्वंस हेतुम् स्वामे बाहुर्जिनवर चिरं तत्व विद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम सारमुद्भासमानस् तस्मिन्नंह कथनिरतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्दाश्रुस्नपितबदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चाएतत् त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्या निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः कात्रवेयाः प्रागेवेहत्रिदिभवना देशिता भव्यपुण्या पृथ्वीचक्रं कनकमेतां देवनिन्ये त्वेदम् ध्यानद्वारं मम रुचिकरं सान्त्वगेहं प्रविष्टस् तत्किञ्चित्रञ्जिनबपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि लोकस्येकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वये वासौ सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्वीताञ्चिरमदिवसन् मामिकाञ्चित्तशय्या मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा कल अपन ने इस पांचवे काव्य का उच्चारण सीख लिया था, इसके अर्थ से अपने को प्रारंभ करना है। लोकसेकस तुम असि भगवन निर्निमित्तेन बंधुस, इस लोक के आप एकमात्र निर्निमित्तेन बंधु यानी बिना किसी अपेक्षा के, बंधु शब्द मित्र के लिए आता है, भाई के लिए भी आता है, तो यहाँ भगवान उपकार करने वाले हैं और कैसे हैं निर्निमित्तेन, कोई वापस में कुछ प्रत्युपकार की भावना
कि हम इनका उपकार कर रहे हैं तो ये भी हमारा कुछ करें, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं है। और तो ये वसो सकल विषया शक्ति रप्रतिनी का, और भगवान आपके पास में ऐसी शक्ति है जो कि निराबाधित है, यानी बाधित नहीं होती, और कैसी है, समस्त पदार्थों को अपना विषय बनाने वाली, यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी है अनंत शक्ति भी है, यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा से कि समस्त विषयों को जो अपना विषय बनाने वाली है, ऐसी आपके पास में शक्ति है जिसके माध्यम से आप सब कुछ जानते हैं। भक्ति स्फीताम चिरम अधिवसन मामिकाम चित्तशय्याम, भक्ति से जो विस्तृत है, ऐसी चिरकाल पर जिस पर आप निवास कर रहे हैं, मामिकाम चित्तशय्याम, मेरी चित्त रूपी सैया के ऊपर आप चिरकाल से विराजमान हैं। मयुत्पन्नम, मुझमें जो उत्पन्न हुए हैं, कथमे ततः क्लेश यूथम सहेता, क्लेश यानी दुखों का, यूथ यानी होता है समूह, तो दुखों के समूह को आप कैसे सहन करोगे। इतने बिंदुओं को रख करके आखिरी में कह रहे हैं कि आप हम में उत्पन्न हुए दुखों के समूह को कैसे सहन करोगे, अर्थात आप सहन नहीं करोगे उन दुखों को, आप अवश्य ही दूर करोगे। अब अपन इनके एक एक बिंदु को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो निर्निमित्तेन बंधु, संसार में जितने भी मित्रादि होते हैं सब कोई ना कोई अपेक्षा लिए होते हैं, निरपेक्ष मित्र संसार में कोई नहीं मिलता। कुछ लोग खाली मित्र होते हैं केवल गप्पे लड़ाने के लिए एक दूसरे से मिलकर के, कि चलो उधर चलते हैं थोड़ा सा समय पास हो जाएगा, होता कि नहीं होता ऐसा, कुछ ना कुछ प्रयोजन ही, भैया अपने पास फ्री है चलो अपन समय पास करने के लिए वहां पर चलते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति वहां पर आया और वो चर्चा करने लगा, कहने लगे चलो मिलकर के तुमसे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरा सिर दर्द कर रहा था और मैं सोच रहा था, तो उसने कहा कि भैया तुम्हारा सिर दर्द कर रहा था पहले तो ठीक है लेकिन अब मेरा सिर दर्द करने लगा है, तुमने जो है ट्रांसफर सुना सुना करके। तो ऐसे भी जो है खाली समय बर्बाद करने वाले संसार में बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, तो वो खाली मित्र होते हैं। फिर इसके बाद में कुछ प्याली मित्र होते हैं, ऐसे कि भाई इकट्ठे हो गए कुछ चाय वगैरह हो जाए तो वो वहां पे रहेंगे और जैसे ही वो चाय वगैरह खत्म हुई तो वहां से निकल लेंगे, तो उनका भी स्वार्थ उसमें रहता है। तो खाली मित्र हो गए, प्याली मित्र हो गए। फिर कोई ताली मित्र होते हैं जो प्रशंसा खुशामदी करके उनके माध्यम से कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं। और बहुत कम ऐसे होते हैं जो माली मित्र हों, माली के समान जो कभी कभी कठोर भी होते हैं, उनके लिए अच्छा भी बताते हैं लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ वहाँ पर स्वार्थ छुपा ही रहता है, क्योंकि संसार में जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ पर टिके हुए हैं। बच्चा भी क्यों रोता है जब उसका पेट खाली होता है, भूख लगती है, जहाँ पेट भर गया फिर वो आप जबरदस्ती भी करो तो वो बाहर दही निकाल देता है। तो स्वार्थ के सारे संसार हैं, सुनने में ऐसा लगता है लेकिन वास्तव में अपन देखें तो पूरे संसार के जो संबंध हैं वो स्वार्थ से भरे हुए हैं, लेकिन भगवान ने अपने लिए जो उपदेश दिया है उसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं। भवि भागन बस जोगे बसाए तो मैं धुनी होए सुनी विभ्रम नसाए, भगवान ने जो उपदेश दिया संसार के सब जीवों के कल्याण करने की भावना, उनकी ऐसी भावना नहीं कि ये मेरी जय बोलेगा इसलिए इनके लिए उपदेश दें, ये मेरी पूजा करेगा उनके लिए उपदेश दें, ऐसा उनका कोई भी स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान निर्निमित्तेन बंधु, और भगवान के पास में केवल ज्ञान रूपी शक्ति है जिसके माध्यम से कुछ भी नहीं छुपा हुआ, सब कुछ जानते। बहुमान आएगा कि नहीं आएगा, जैसे भगवान हम लोगों के लिए प्राप्त हुए हैं जो सब कुछ जानते हैं, वैसे दुनिया में सब लोग कहते हैं कि हमारे भगवान, हमारे भगवान, लेकिन जब उनके पास वास्तव में पर तुलना करके देखते हैं तो सर्वज्ञता वहां पर नहीं दिखती। सर्वज्ञता कहने के लिए तो कह देते हैं लेकिन जब कोई पूछता है तो वहां पर कहते हैं कि भाई किसी की खोज कौन करता है, खोज वही करता है जिसको कि ज्ञान ना हो कि भाई वहां पर क्या है।
खोज वही करेगा जिसको ज्ञान है कि सब कुछ कहां पर है, तो खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब अपन तुलना करके देखते हैं तो अन्य देवताओं में वहां पर खोजादी करते रहते हैं, इसका मतलब है वो सर्वज्ञता से रहते। बहुत सारे लोग तो सर्वज्ञता पर विश्वास ही नहीं करते। कोई सर्वज्ञ भी हो सकता है, सब कुछ जान सकता है। वहां पर कभी कभी वो इस प्रकार के भी कुतर्क देते हैं कि जैसे कोई यहाँ पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति के पास में थोड़ा ज्ञान है, किसी के पास में बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी के पास में पूरा ज्ञान हो। तो उसके लिए वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कोई 10 फीट तक छलांग लगा ले, कोई 50 फीट तक छलांग लगा ले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे संसार को जो है, पूरे आकाश को नाप दे, ऐसी कोई छलांग कैसे लगा सकता है। तो इस प्रकार से जो लौकिक सीमाएं हैं उनका आधार लेकर के वो सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। लेकिन वास्तव में सर्वज्ञता होती है, सर्वज्ञता का निषेध वही कर सकता है जो स्वयं सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञता के बारे में कहते हैं कि भाई कोई सर्वज्ञ नहीं है। सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी गलत फहमी है, ये गलत बातें हैं कि सर्वज्ञ भी कोई होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आप बताओ अभी नहीं है कि कभी नहीं है। क्या प्रश्न किया? अभी नहीं है कि कभी नहीं है। तो वो कहता है कि अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं है। फिर पूछते हैं उससे कि यहां नहीं है कि कहीं नहीं है। वो कह देता है यहां भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो उससे कहते हैं भैया आप ही सर्वज्ञ बैठे हो हमारे सामने। बात समझ नहीं आई होगी, क्योंकि सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है? सर्वज्ञ की परिभाषा है जो तीनों लोक को जानता हो और तीनों काल को जानता हो। जब आपने कहा कि यहां भी नहीं है कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों लोक को जान लिया। और आप कह रहे हो अभी भी नहीं और कभी भी नहीं, इसका मतलब आपने भूत भविष्य को भी वर्तमान को सबको जान लिया। इसका मतलब आपको तीनों लोक का ज्ञान है और तीनों काल का ज्ञान है, तो आप ही तो सर्वज्ञ बैठे हुए हमारे सामने। तो आप सर्वज्ञता का निषेध कैसे कर सकते हैं? हम ये बात स्वीकार करते हैं कि इस समय में यहाँ पर इस धरा पर कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन भूत में कोई नहीं हुआ, भविष्य में कोई नहीं होगा, उसका निषेध हम कैसे कर सकते हैं? और लोक भी कितना बड़ा है, हम कितनी ही छोटी जगह पर रहते हैं, संसार कितना विस्तृत है, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं। एक बरमुडा ट्रायंगल है, वहां पर जाने पर बड़े बड़े जहाज लुप्त हो जाते हैं। आज तक वो जो है साइंस की मिस्ट्री बना हुआ है, रहस्य बना हुआ है, उसकी खबर जो है नहीं निकाल पा रहे हैं। वहां पर क्या होता है, गायब हो जाते हैं, डरते हैं लोग वहां पर जाने से। अभी भी ऐसी यानी ज्ञात विश्व में भी अभी कई जगह ऐसी हैं जिनके बारे में रहस्य बना हुआ है, उनका अभी भी निराकरण नहीं हो पाया है। और इसके अलावा भी संसार कितना विस्तृत है, अपन लोग बहुत कूप मंडूक जैसे हैं। कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक जो होता है, छोटी सी जगह में रहता है, वो सोचता है कि बस जो कुछ मैंने देखा वही सब कुछ है। अब इतने से छोटे से कुएं में देख करके निषेध कर दो कि कोई समुद्र नहीं होता, कोई नदी नहीं होती, बस इसी प्रकार की स्थिति आजकल की है। यदि कोई कहता है सर्वज्ञता नहीं होती है, तो जिन भगवान ने सब कुछ जाना है और सब कुछ जानने के बाद में जब कुछ कहा है तो उसमें कोई असत्यता की बात नहीं। भगवान की वाणी में भगवान ने जब सब कुछ जाना और उसके बाद उपदेश दिया, जिसके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, यदि वो कुछ उपदेश देता है तो उसमें कुछ असत्यता हो सकती है। लेकिन जिसके पास में पूर्ण ज्ञान हो और जिसने अपनी कषायों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो, कभी कभी झूठ जो है कषाय बस भी बोली जाती है, आता है उसमें किन किन कारणों से कषाय बोली जाती है, क्रोध के द्वारा भी बोली जाती है, हंसी के द्वारा भी बोली जाती है, इन सब पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए भगवान ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और भगवान निर्निमित्तेन बंधु है। अभी जितने भी भगवान के उपासक हैं उनका जीवन देखो, अपना जीवन, यदि भगवान का उपदेश हमको प्राप्त नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, आप सोच करके देखो। जो भगवान ने हमारे लिए उपदेश दिया, जो पूजा का उपदेश, सात स्वाध्याय का उपदेश, व्रत नियम संयम का उपदेश, यदि ये नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता, इस पर भी यदि अपन दृष्टि डालें तो भगवान के प्रति कितना बहुमान उभरता है कि भगवान के ही द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, तो भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया हमारे लिए।
तो ये निर्निमित्त है और उनका कोई वहां पर नहीं। बाकी अन्य अन्य मत में ऐसा होता है, वहां पर उन्हीं के मानने वाले कहते हैं कि हमारे भगवान ऐसा कहते हैं कि आप हमारी शरण में आओ और हम आपको जो है हम आपका रक्षण करेंगे, हम आपको जो है उन्हें बहुत कुछ देंगे, इस प्रकार की बातें कहते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर जिन्हें भगवान का उपदेश ऐसा है नहीं है कि आप मेरी पूजा करो, ये भी उपदेश भगवान ने नहीं दिया है। अभी पात्र केसरी स्त्रोत पढ़ रहे थे तो उसमें ये परंपरा सतत चली आ रही है, भगवान कभी इसका उपदेश नहीं देते कि तुम हमारी पूजा करो। तो ये क्योंकि भगवान का उपदेश तो ये है, भगवान का मुख्य उपदेश आप लोगों को सुनकर के थोड़ा आश्चर्य, भगवान का मुख्य उपदेश तो यह है सब कुछ छोड़ करके और मेरे जैसे बैठ जाओ तो तुम्हें भी भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी। ये मुख्य उपदेश है उनका, ये सब जितनी भी अपन क्रियाएं कर रहे हैं उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि सब कुछ त्याग करके अपने आत्मा में लीन हो तभी जाकर के हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का कोई वहां पर नहीं, भगवान तो चाहते हैं कि सारे जीव संसार के भगवान बने, इसलिए भगवान निर्निमित्त हैं, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और भक्ति के द्वारा जो विस्तृत है ऐसी हमारी मन रूपी चित्त सैया मामिकाम चित्त सैया, मेरी चित्त रूपी जो है मन रूपी सैया के ऊपर आप चिरकाल से विराजमान हैं। तीन चीजें हो गई। अब एक इसमें जैसे पर कोई मित्र होता है तो मित्र के लिए हम कभी कोई परेशानी होती है तो उसको याद करते हैं, तो वो यदि हमारा मित्र शक्तिशाली नहीं हो हम उसको फोन करें कि भैया हमें कोई गरीब मित्र हो उससे यार हमको 10 लाख रुपए चाहिए हैं, अब वो क्या करेगा बेचारा, शक्ति भी होनी चाहिए ना, तो शक्तिशाली भी हो और मित्रता भी हो तब जाकर के कार्य बने। चलो ये दो बातें भी हो गई किसी के पास में कि शक्तिशाली भी है और जो है मित्र भी है लेकिन बहुत दूर है अमेरिका में है, अब क्या करेंगे आप, तब भी वो कुछ भी करने में समर्थ, अब भैया हम जब भारत में होते तो आपके लिए कुछ करते, अभी तो हम यहाँ पर यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें बताई गई हैं कि भगवान निर्निमित्त हैं, बंधु हैं, यानी मित्र भी हैं, सबका कल्याण करने वाले भी हैं और उनके पास में शक्ति भी है और निकट में विराजमान भी। इस प्रकार से भगवान जब ऐसे भगवान जिनके ऊपर अपन ने श्रद्धा रखी है वो जब हमारे मन मंदिर में विराजमान है, मेरी चित्त रूपी शैया पर विराजमान है, तो मुझ में उत्पन्न दुखों के समूह को कैसे सहन करेंगे। अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में लीन होता है, उसके जो है सारे दुख दूर हो जाते हैं। बल्कि यहाँ पर ये जो है एक प्रकार की जो बात कही गई है, यहाँ पर एक मानसिक विश्वास की बात कही गई है, उसके माध्यम से जिसको भगवान के ऊपर आस्था श्रद्धा होती है उसको जो है संसार के दुख जो है दुख जैसे प्रतिभासित ही नहीं होते, क्योंकि संसार के दुख जो हैं वो संसार के ही हैं, हमारी आत्मा में दुख नहीं है, हमारे आत्मा के स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है तो वो दुख जो है सब कुछ बाहरी प्रतिभासित होते हैं, अंदर जो है वहाँ पर स्वरूप की ओर दृष्टि जाने पर वहाँ पर कोई भी दुख नहीं रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्य में आचार्य महाराज ने अपने आत्म स्वरूप की ओर दृष्टि डालने के लिए और साथ ही साथ में भगवान की श्रद्धा की ओर किस प्रकार की बात होनी चाहिए ये इसमें कहा गया है। स्तोत्र ये निराला सब दुख भव रोग हरने वाला। अब यहाँ पर भव रोग की बात कही गई है, रोग तो वास्तव में भव रोग है, शरीर का रोग तो कुछ रोग नहीं है क्योंकि शरीर का तो गुणधर्म ही क्या है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधि मंदिर है, इसलिए यहाँ पर आत्मा में कोई व्याधि नहीं, तो वो दृष्टि जब जाती है तो शरीर की व्याधि भी वहां पर कुछ प्रतिभासित नहीं होती है। इसीलिए शरीर की व्याधि एक तो सबसे बड़ी बात रहती है, जैसे कि कहा भी जाता है कि बहुत सारी व्याधियां तो हमारी मानसिकता की व्याधियां रहती हैं, मन में हमने सोच लिया कि ऐसी ऐसी व्याधि है, नहीं भी होती व्याधि तो वही व्याधि हो जाती है।
तो यहां पर सबसे पहले मन से स्वस्थता की बात कही गई है। इसके लिए यहां पर ये कहा गया है कि भगवान जब हमारे पास में है, हमारे मन चित्त सैया पर विराजमान है, शक्तिशाली है, वो सब कुछ जानते हैं और निर्मित बंधु है, तो फिर जो है हमारे आत्मा जब स्वस्थ है तो शरीर भी कैसे जो है रोगी रह सकता है, इस दृष्टि को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है। स्तोत्र ये निराला भव रोग हरने वाला कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला निरपेक्ष सारे जग के हो एक बंधु जिनवर निर्वाध ज्ञान शक्ति चिरकाल शैया मन पर जब आप दुख के दल को कैसे सहो हमारा कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला। संसार का स्वरूप के बारे में इसी विमित्र वाली बात आई थी अभी, तो उस पर एक ध्यान आया कि एक संगीतकार है जो गुजरात के संगीतकार है और कल्याण जी आनंद जी उनका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, तो वो कल्याण जी आनंद जी श्वेतांबर जैन है और वो पूरी दुनिया में प्रोग्राम आदि करने के लिए भी जाते रहते हैं। तो एक बार वो प्रोग्राम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पर उनको एक मित्र मिला वहां जो काम करने के लिए वहां गया हुआ था, तो वहां पर उनका मिलना हुआ और उस मित्र ने उनसे कहा कि अब तुम भारत लौट रहे हो, तो वहां पर किसी से उन्होंने वादा किया था कि हम थोड़े समय के बाद में पैसा कमा करके लौट करके आएंगे और फिर हमारी शादी हो जाएगी, ऐसा उनका पहले का वहां पर बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम उसको जाकर के बोल देना कि हम बहुत जल्दी जितना हमने समय निर्धारित किया था उतने समय में लौट करके हम वहां पर आ जाएंगे और फिर अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसी बात को उन्होंने उनके मित्र के माध्यम से भेज दिया। और उनके मित्र जब वहां पर भारत लौट करके आए और जिस जगह पर पता एड्रेस दिया था जब वहां पर पहुंचे तो उस जगह पर वहां पर उसी कन्या का विवाह चल रहा था जिसके लिए उनका वो जो उधर से बोल रखा था उसी का वहां पर विवाह चल रहा था। तो उस समय में उनके मुख से निकले कि कसमें वादे प्यार वफा सब पाते हैं, ऐसी उन्होंने वहां पर ये मुख से निकला। और कि कहां तो वो बेचारा वहां पर गया है पैसे कमा करके लौट करके आ रहा और यहां जिससे बात करके गया था उसकी तो जो है उसने शादी कर ली, तो उनके मुख से ये बातें निकली। और वो निकल करके जब गए तो एक जो गाने लिखते हैं लिरिक्स लिखते हैं जो फिल्मों के गाने लिखते हैं वो उनके साथ में गाड़ी में जा रहे थे और उनके सामने वो कहने लगे कसमें बातें सब बातें हैं ऐसा करके, तो कहने तुम क्या बोल रहे हो, तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा ये तो पूरा जो है गाने का मुखड़ा बन गया और उसी पर वही जो प्रसिद्ध गाना एक फिल्म थी उपकार, उसमें किसी बन्नाडे यदि किसी कोई कवि ने गाया है उसने तो कसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, बहुत प्रसिद्ध गाना उसके ऊपर बना। लेकिन बात उसके लिए नहीं है, लेकिन संसार के स्वरूप का जो है मित्र के स्वरूप का वहाँ पर कि किस किस प्रकार की स्थिति होती है ये भी एक मित्र की मित्र के नाम से या बंधु के नाम से याद आया, वो भी संसार के स्वरूप को बताने वाला है इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया। चलिए अगला काव्य जन्माटव्यांग
कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव ने कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मान न जहति कथं दुःख दावोपतापाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा तस्यैवेयं तव ने कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मान न जहति कथं दुःख दावोपतापाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव ने कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव ने कथा स्फारपीयूषवापि तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तम् निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः पढ़िए आचार्य महाराज जी इस छठे काव्य में जन्म अटवी यानी होता है जंगल, तो जहां जन्म बार बार जीव धारण करता है उसको भव कहा, मृत्यु को भव नहीं कहा। मृत्यु में कुछ मृत्यु अच्छी भी होती है, जैसे पंडित मरण होते, पंडित मरण से तो निर्वाण ही हो जाता है, लेकिन पंडित मरण जो होता है वो संलिखना के माध्यम से संसार कितना छोटा हो जाता है, 7-8 भव, उत्कृष्ट से जो है 2-3 भव में भी, और जघन्य से 7-8 भव में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो मरण के लिए यहाँ पर नहीं, जन्म होता है तो वो संसार का ही कारण होता है। वैसे तीर्थंकर का जन्म होना जन कल्याण की बात अलग है, लेकिन बाकी सब जीवों का जो जन्म होता है वो संसार का ही कारण है, इसलिए यहां पर जन्म को अटवी कहा है। भव भव जो है, भव जंगल जो है उसमें कथमपि मया संसार में परिभ्रमण करते हुए देव दीर्घं भ्रमित्वा दीर्घ काल तक भ्रमण करके सभी जीवों की
जन्म भूमि कहाँ है? निगोद, जो निश्चय से सभी के लिए गोद देता है, गोदम ददाति इति निगोद। सब जीव वहीं से आए हैं। एक बार आचार्य ऋषि ने, कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जो रास्ते में जा रहे हैं कोई मरा हुआ कलेवर देखा, कहीं पर कोई गंदगी बहुत ज़्यादा देखी तो बहुत जल्दी थूक देते हैं लोग। तो आचार्य ऋषि ने ऐसे दृश्य को देख करके कहा कि इस पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। कैसे? आप लोगों को मालूम होगा कि आचार्य ऋषि थूकते नहीं है। नो निष्ठी वेद, उत्कृष्ट साधुओं के बारे में आता है जो थूकते नहीं, और पीठ से दीवार से टिकते नहीं, वो भी उत्कृष्ट साधुओं के लिए आया। ये भी आया है कि अपने द्वार को बंद नहीं करते, और रात्रि में गमन नहीं करते। सब अपन लोगों को बड़े भाग्य से ऐसे गुरु मिले हैं कि वो इन सारे गुणों को इस काल में भी पालन करते। तो आचार्य जी ने कहा कि यदि हमारी दृष्टि इस पर चली जाए कि कभी हमारा भी यहाँ पर बहुत काल बीता है, क्योंकि ये सब निगोद की जगह है, और वहां पर हमारी कितना अनंत काल वहां पर निकला, वहां से किसी तरह से निकल पाए। निगोद से जीव कैसे निकलता है, उसका उदाहरण क्या आता है, जैसे वहां पर भाड़ में चनों के बीच में से कोई एक चना वहां से उछल जाता है, वहां पानी रहता है, थोड़ी सी स्टीम बनती है, बाष्प बनती है, और कोई एकाध चना जो है उसमें से निकल पाता है। ऐसे ही 608 जीव अनंत अनंत जीवों में से वहां से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं। व्यवहार राशि क्यों कहते हैं इसको? बोलते तो हैं, प्रयोग तो करते हैं व्यवहार राशि, लेकिन व्यवहार राशि क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में ही व्यवहार होता है कि भाई ये वो है, ये वो है, अंदर तक तो वहां पर कोई व्यवहार नहीं। सब जो है एक साथ में ही जन्म, एक साथ में ही मरण, एक साथ में ही भोजन हो जाता है, सब कुछ ऐसी है, एक साथ में सांस ले लेते हैं, इसलिए व्यवहार सबका अलग अलग जो है वहां निगोद से निकलने के बाद ही हो पाता है। तो उसमें से कुछ जीव जो है निकल करके आते हैं, तो अपन लोगों की भी वहां से निकल करके आए, और फिर संसार में परिभ्रमण करते हुए एक एक इंद्री में, 5 फैकल्टी में भ्रमण करते हुए, 2 इंद्री में भी कितनी वेराइटी है, 3 इंद्री में भी, 4 इंद्री में भी, 5 इंद्री में भी, उसमें भी बिना मन सहित, फिर मन वाले में भी कितनी वेराइटी, त्रिंशादी में देखो, पंचेंद्री में भी कितने प्रकार हैं उनके, और उसके बाद में इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उसमें भी मनुष्यों में भी देखो कहाँ कहाँ पे लोग हैं। भाई महाराज जी बता रहे थे ऐसे ही कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में ही उनका पूरा जीवन निकल जाता है, कभी आत्मा शब्द भी सुनने के लिए मिलता नहीं। तो ऐसे जो है बड़े भाग्य से किसी तरह से जन्माटव्याम, इस जन्म रूपी अटवी में भ्रमण करते हुए, कथमपि यानी किसी प्रकार से, मया मेरे द्वारा, दीर्घ भ्रमित्वा दीर्घ काल तक, हे देव जो अपनी आत्मा में कीड़ा करते हैं उनसे कह रहे हैं, प्राप्ता एवियम तब ने कथा स्फार पीयूष वापी, हमको ये आपकी नए रूपी कथा करने वाली स्फार यानी अत्यंत विस्तृत पीयूष वापी अमृत की वापिका प्राप्त हो गई। संसार में इतने भ्रमण करने के बाद में किसी तरह से हमको ये आपकी नए कथा वाली अमृत की विस्तृत वापिका प्राप्त हो गई। जिन्हें भगवान की वाणी प्राप्त हो गई, कितने भाग्य से, ये मन में जो है आह्लाद की बात रहती है, गौरव की बात रहती है, और अपने भाग्य की प्रति की किस प्रकार से भाग्योदय हुआ कि हमको ये प्राप्त हुई। अब उस जो है नए कथा, नए की बात होती है, उसमें नए जो रहते हैं समझाने के लिए, नयति इति जो लेकर के जाता है उसको नेता कहते हैं, नयति इति नेता। तो नए के माध्यम से हम समझ पाते हैं, यदि नए का आलंबन नहीं लें, बहुत सारे लोग नए के आलंबन ना लेने के कारण में सियादवाद को समझ नहीं पाए, कहते हैं आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती, बड़े बड़े शंकराचार्य भी जो है उन्होंने लिख दिया कि ये वही चीज कह रहे हैं और वही चीज कह रहे हैं नहीं है,
ये तो शायदवाद है, नहीं किसी अपेक्षा से वो है और किसी अपेक्षा से नहीं है, इसको वो समझ नहीं पाए। तो ये नए की कथा, नए के भगवान की वाणी का जो है महत्व भी समझना, क्योंकि नए का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान की वाणी भी समझ में नहीं आ सकती। एक बार पंडित पन्नालाल जी बड़े साहित्याचार हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद अपन पढ़ते हैं, जो जितने भी पुराण आदि हैं उनके अनुवाद उन्होंने किए। और वो पहले मोराजी में पढ़ाते थे, बाद में फिर वो जबलपुर गुरुकुल में रहे और बाद में उनकी कुंडलपुर में समाधि हुई। तो एक बार कहीं पर वो महावीर जयंती पर प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन में महावीर जयंती पर उन्होंने कहा कि भगवान की जो वाणी है वो स्यादवाद और अनेकांत से गुम्फित है, इस प्रकार से कहा। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम बरसों से सुन रहे हैं कि ये स्यादवाद है और अनेकांत है, आप कहते हो कि स्यादवाद ऐसा होता है कि कोई वस्तु है कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हमको आज तक समझ में नहीं आया, आप हमें सरल शब्दों में समझाओ कि ये है क्या। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? तो उसने अपने हाथ में, अपने हाथ को जेब में डाला और उसको एक टिकट दिखाई दिया वहां पर। तो पंडित जी ने पूछा, टिकट पे क्या लिखा हुआ है? आपके यहाँ ट्रेन आती है? तो आपके यहाँ ट्रेन स्टेशन पे, जैसे यहां से जो है ट्रेन, शिखर जी की भी सीधी ट्रेन है? एक आध कोई ट्रेन होगी शिखर जी की सीधी, रोज जाने वाली है कि सप्ताह में करते हैं? सप्ताह में करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी शिखर जी से सीधा संबंध है। तो उन्होंने कहा कि इस पे क्या लिखा हुआ है टिकट पे? तो समझ ले अपन कि भाई अशोक नगर से शिखर जी पारसनाथ, रेलवे स्टेशन नाम तो पारसनाथ है ना, तो पारसनाथ लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको समझें कि ये शिखर जी से लेकर के अशोक नगर तक या अशोक नगर से लेकर शिखर जी की अपेक्षा है, और कहीं की अपेक्षा लगाएंगे तो ये नहीं है। आप चाहो कि अशोक नगर से दिल्ली चले जाओ तो क्या हो जाएगा? ये नहीं। तो यही चीज है भी और नहीं भी है। स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका लिखा हुआ है कि यहां से यहां तक आप जा सकते हैं, उसकी अपेक्षा से है और बाकी सबकी अपेक्षा से ये नहीं। तो कहने लगे कि यदि हम ऐसा टिकट रखें जो पूरे इंडिया में हम घूम सकें तो फिर आप कैसे कहोगे इसको? तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया की अपेक्षा से है हो जाएगा और पूरे विश्व की अपेक्षा से वो नहीं हो जाएगा। तो कोई भी चीज होती है वो स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा होती है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से नहीं होती। वही चीज है भी और वही चीज नहीं भी है, बस यही स्यादवाद के माध्यम से समझाया जाता है। तो स्यादवाद वचन पद्धति होती है, नयों के माध्यम से इसको समझाया जाता है। निश्चय नय और व्यवहार नय, निश्चय नय और व्यवहार नय दो नेत्र हैं, इन दोनों नेत्रों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक आंख से देखने वाला काणा होता है, क्या बोलते हैं अपन एक आंख देखने वाले को? काणा बोलते हैं। एक आंख से जो देखता है वो जो है अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते। निश्चय नय के माध्यम से देखो तो अपना शुद्ध स्वरूप दिखाई देता है, जो हमको प्राप्त करना है, हमारी आत्मा को हम देखते हैं। सत्य शुद्धा हूं शुद्ध नया। और व्यवहार नय से देखो तो हमको वर्तमान पर्याय दिखाई देती है। तो दोनों को जानने की आवश्यकता है, वर्तमान अवस्था कैसी है और लक्ष्य हमारा कैसा है। जैसे वस्त्र को आपने लिया और वस्त्र गंदा है, उस समय में मन में यह है कि साफ होने के बाद में ये कैसा रहेगा, ये जब तक लक्ष्य में नहीं रहेगा तब तक अपन उसको साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे। और यदि ये सोच लें कि ये गंदा वस्त्र भी सफेदी है, स्वच्छ ही है, धूल बाहर बाहर ही है, तो हम उसको फिर भी जो है साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो दोनों नयों की आवश्यकता होती है, इसके माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की जो वाणी है तव नय कथा स्फार पीयूष वापी, जो अत्यंत विस्तृत अमृत की बापी का है, इसमें जब डूब जाते हैं, इतनी देर तक आप लोग यहाँ बैठते हैं, तब उस समय में बहुत कम लोगों को ऐसा होता होगा कि घर की याद आती होगी, इतनी देर तक तो कम से कम निराकुलता रहती है। तो ये अमृत की बापी का है, जिसमें जितना डूबो उतना ही आनंद ही आनंद है। स्वाध्याय करने की जिनको रुचि हो जाती है
उनमें सबसे अच्छा रहता है। इसके जो है गुणों के बारे में बताया सरवार सिद्धिकार ने, प्रशस्त अध्यवसाय, इस समय में जो भावों की निर्मलता रहती है स्वाध्याय के समय में, वैसी जो है निर्मलता और कहीं आप जितने किसी से बात आप कर रहे हो उस समय में जैसी बात नहीं रहेगी, निर्मलता जैसी निर्मलता स्वाध्याय के समय में रहेगी तो प्रशस्त अध्यवसाय की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय बहुत लोग करते हैं, अच्छी तरह से लगन से करना चाहिए, धीरे धीरे करते करते छोटे छोटे रूप में, जैसे कहते हैं बूंद बूंद से घट बढ़ता है, ऐसे ही स्वाध्याय करते करते बहुत अच्छी तरह से सब चीजें समझ में आने लगती, बस लेकिन लगन होनी चाहिए। पहले बहुत पहले की घटना सुनाते हैं हम आपके लिए कि एक महिला थी और उसका विवाह हुआ, यानी विवाह होने के बाद महिला बनती लेकिन फिर लड़की का विवाह हुआ, तो वो महिला जो है अपनी ससुराल में आई और ससुराल में आने के बाद जैसा उसका मायके में काम होता था वैसा ही उसने ससुराल में किया। मंदिर में आने के बाद दर्शन करने के बाद में कोई ग्रंथ को उठा करके पढ़ना, नई बहू है लेकिन फिर भी उसने जो है वहां पर जो सास रखा था उसको वहां पर रख लिया। अब लोगों में कानाफूसी होने लगी, अरे भैया ये तो कोई पंडितानी बहू आई है लगता है, यहाँ कहां पर किस प्रकार से अपने लिए बोलना चाहिए ये भी कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं। जिन चीजों से किसी के लिए जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें उसके लिए बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हम बोलने में कई कई बार हम बाद में पछताते हैं अरे काय को बोला। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अक्सर ऐसे बाद में सोचते हैं कि अरे काय को बोला, नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा था। तो उससे एक दिन कह दिया, उसने फिर भी कोई नहीं ठीक रखकर चली गई। एक दो दिन और ऐसी आई, फिर एक दिन जो है उसको वहां पर गुम्मट सार रखा हुआ मिल गया। अब आदत थी कोई भी उठा करके पढ़ना है तो उसने गुम्मट सार उठा कर रख लिया, तो कोई जो है वृद्ध सज्जन वहां से निकले उनकी नजर पड़ गई, कहले अरे भैया अब तो अपने गांव में गुम्मट सार की पंडितानियां आ गई हैं, ऐसा बोल दिया। अब जो है आज जो है सुन करके अब एक ही चीज पे से बूंद गिरते गिरते पहले तो सूखी है लेकिन बाद में फिर वो दिखने लगती है, ऐसा ही उसके जो है बार बार सुनते सुनते मन में आ गया। और जब वो घर लौटी तो आज उसका चेहरा जो है उतरा हुआ था, वैसे तो रोज प्रसन्न होकर के मंदिर से लौटती थी लेकिन आज जो है चेहरा उतरा हुआ था। तो पति ने पूछा क्यों आज क्या हो गया, कुछ खो गया क्या, नहीं खोया तो नहीं कुछ, आज जो है मंदिर में गए थे तो ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन हमने उसका बुरा नहीं माना, हमने तो ऐसा सोचा कि काश हमारे पास थोड़ा समय मिल जाता तो हम वास्तव में हैं कुंभ सार की पंडितानी बन के दिखा, और उसको उन्होंने अच्छी रूप से दिया। तो पति जो था बहुत अच्छा था तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जो है पढ़ा करो, अच्छा अध्ययन करा करो, हमारी तरफ से पूरी छूट है, अच्छा स्वाध्याय करो, बस केवल ऐसा करा करो, क्योंकि उसके जो है सास ससुर नहीं थे तो घर काम सारा काम कर लेंगे। पहले के घर ऐसे होते थे कि गाय भी होती थी तो कहने हम गाय का सारा काम कर लेंगे, गोबर वोबर ही सब कर लेंगे, वो कर ही रहे हैं बस पहले ही से तो अभी भी कर लेंगे, बस केवल जो है रोटी बनानी नहीं आती तो चार रोटी हमारे लिए दे दिया करो बना करके, वो बाकी समय तुम स्वाध्याय किया। इतना अच्छा पति उसको मिल गया तो उसने जो है अध्ययन करना प्रारंभ किया, और अध्ययन प्रारंभ करते करते वास्तव में ऐसा हुआ। एक बार एक पंच कल्याणक में जब वहां पर पंडित जी समझा रहे थे, कहले पंच परावर्तन में संसार से परिभ्रमण करके पंच परावर्तन परावर्तन को नाश करके उन्होंने जो है सिद्ध पद को प्राप्त किया। तो प्रश्न पंच परावर्तन क्या होता है, पहले का जमाना था जब स्वाध्याय कभी तत्वार सूत्र का भी उच्चारण करने वाले को पंडित बोल देते थे, तो उस समय में जब उन्होंने कहा कि पंच परावर्तन तो पंडित जी कहने लगे इसका उत्तर तो श्रृंगार बाई दे सकती है, उसका नाम श्रृंगार बाई था, और उससे कहा उसको बुलाया सम्मान के साथ में कि आप पंच परावर्तन को समझाओ। तो पंच कल्याण की वहां पर जो पंडाल था उसमें उसको बोलने का अवसर दिया, डेढ़ घंटे तक उसने ऐसा जो है वहां पर व्याख्यान किया पिन ड्रॉप साइलेंस में, पहले तो ये लाउड स्पीकर नहीं होते थे लेकिन फिर भी उसमें उसने अच्छी तेज आवाज में बुलंद आवाज में वहां पर दिया, सब लोग दंग रह गए। और उस समय में उसने जो कहा था उन्होंने वृद्ध व्यक्ति ने कि आप पंडितानी बनेंगी, तो उसने वास्तव में वहां पर उसको साकार करके दिखा दिया। किसी को साकार नहीं करना लेकिन जिनागम का जो अमृत है वो जब ही प्राप्त होता है जब हम उसमें धीरे धीरे लगते रहें, और जिन्होंने भी इसका पान किया है वो मानते हैं कि ये अमृत है। अपन कल्याण मंदिर में भी पढ़ करके आए हैं कि भगवान की वाणी को अमृत ही कहा गया है, उसी से जो है जन्म मरण आदि के रोग दूर होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये
अत्यंत विस्तृत अमृत की वापिका हमारे लिए प्राप्त हो गई। फिर तस्या मध्य हिमकर हिम व्यूहशीते नितान्त, उसके बीचों बीच किनारे किनारे पर, तो जैसे कोई ठंडी चीज हो तो किनारे किनारे पर तो हो सकता है कि थोड़ी गर्म हो जाए, किसी 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 विषय में जब रहता है, कोई कोई ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत तर्क वितर्क हो, आक्षेपनी विक्षेपनी जो रहती हैं कथाएं उसमें कभी कभी थोड़ा, जैसे आज दोपहर में चल रहा था महापुराण में, वहां पर अन्य मत का जब व्यक्ति बात करता है तो उसको यदि कोई सुन ले तो उसको लगे कि ये तो जो है बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं, तो कहीं कहीं पर किनारे पर कुछ थोड़ी सी जो है गर्म भी हो सकती है वो, लेकिन बीचों बीच में जब कोई उतरेगा उसमें तो क्या कह रहे हैं, तस्या मध्य हिमकर हिम व्यूहशीते नितान्त। हिमकर जो होते हैं ये चंद्रमा का नाम है, चंद्रमा का पर्यायवाची हिमकर, और हिम व्यूह यानी बर्फ के समूह से भी नितान्तम यानी और उससे भी ज्यादा शीतल, यानी इन चीजों से भी ज्यादा शीतल, ऐसी जो है वापिका, अमृत की वापिका जिन्हें भगवान की वाणी है, निर्मग्नम माम न जहति कथन दुख दावोपतापाः, यहां पर कह रहे हैं भगवान में उसमें पूरी तरह से अखंड डूबा हुआ हूं, फिर उसमें दुख के दाव का जो ताप है वो क्यों नहीं दूर होगा, यानी अवश्य ही दूर हो। बाहर के जितने भी संताप हैं जब भगवान की अमृत रूपी वापिका में जो स्नान करेगा उसके सारे संताप अवश्य दूर हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर निर्मग्नम माम, मैं उसमें डूबा हुआ हूँ, ना जहति कथम, कैसे नहीं छोड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ता है, दुख दावोपतापा, दुख के दाव का जो ताप है वो कैसे नहीं छोड़ेगा, अर्थात अवश्य ही वो दूर हो जाएगा, दुख रूपी दावनल का संताप क्यों दूर नहीं होगा और अवश्य ही दूर होगा, ऐसी अमृत की वापिका में जो भी जो है उसमें आगो डूबेगा या उसमें जो मज्जन करेगा तो उसके सारे दुख अवश्य ही दूर होंगे। कितने अच्छे भावों के साथ में यहाँ पर जिन भगवान की स्तुति की गई है, जिन भगवान की वाणी की स्तुति की गई है कि जन्म रूपी अटवी में कथमपि मया देव दीर्घम रिमता, किसी प्रकार से दीर्घ काल तक भ्रमण करके प्राप्ता ये वियम तव नय कथा, हे भगवान आपकी नय कथा रूपी अत्यंत विस्तृत अमृत वापिका मुझे प्राप्त हो गई। तस्या मध्य उसके बीच में हिमकर हिम व्यूहशीते नितान्तम, जो चंद्रमा और साथ साथ में बर्फ के समूह से भी ज्यादा शीतल है उसमें मैं निर्मग्नम माम, मैं पूरी तरह से आकंठ डूबा हुआ हूँ, ना जहति कथम दुख दावोपतापा, दुख रूपी दावरण का संताप क्यों दूर नहीं होगा, अवश्य ही दूर होगा। इसका भी अपन पद्य अनुवाद देखते हैं। भववन में चिर भ्रमण कर, जब भाग्य उदय आया, जिनने कथा की अमृत वापी को मैंने पाया, होने मान क्या न छूटे, संताप दुख की ज्वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, ते स्तोत्र ये निराला। हाँ, पांचवा काव्य तो अपन पहले भी पढ़ चुके थे, इसलिए केवल छठवें काव्य का क्षण करके अपन विराम लेंगे। जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा, प्राप्तैवेयं तव नय कथा स्वार पीयूष वापी, तस्या मध्ये हिमकर हिम व्यूहशीते नितान्तम्, तस्या मध्ये हिमकर हिम व्यूहशीते नितान्तम्,
निर्मग्नम्मा न जहति कथन दुख दाओपतापाः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मम हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी सुदेव